भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का भले ही ये दौर चल रहा है, लेकिन कभी वो वक्त था जब मनोज तिवारी के गानों को लोग बहुत सुना करते थे और आज भी लोग उनके गानों को सुनते हैं। आज भी नवरात्रि के समय या फिर छठ के समय आप देखेंगे तो मनोज तिवारी के गाने ही सबसे ज़्यादा बजते हैं, क्योंकि उसकी मधुरता शायद कभी कम नहीं होगी। लेकिन आज हम मनोज तिवारी के उन पहलुओं की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा मनोज तिवारी कभी नहीं करते, इवन मीडिया में भी नहीं आने देते। आपको बता दें कि उनकी लव मैरिज हुई थी और अपने इस वैवाहिक जीवन को वो बड़े ही सुखी से और आनंदपूर्वक भी जी रहे थे, तब तक जब तक उनकी पत्नी को उन पर ये शक नहीं हुआ कि उनका अफेयर और भी कई जगह है। जी हाँ, जिसमें कि बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी रानी को मनोज पर शक होने लगा। शक इतना बढ़ गया कि वो अंत में डिवोर्स की नौबत आ गई, एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। इसके लिए मनोज तिवारी ने कई मर्तबा उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मनोज तिवारी की पत्नी रानी को लगता कि मनोज तिवारी का अफेयर श्वेता तिवारी से है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तब जब मनोज तिवारी इंडस्ट्री में आए थे तब उन्होंने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। और भोजपुरी इंडस्ट्री में जब भी कोई हीरो हीरोइन एक साथ काम करते हैं तो अमूमन उनके अफेयर्स की खबरें उड़ा ही दी जाती हैं। ऐसा ही कुछ मनोज तिवारी और श्वेता तिवारी के साथ हुआ। पहले तो इन दोनों को कई न्यूज़पेपर में पति पत्नी बताया गया, क्योंकि मनोज तिवारी तिवारी थे और श्वेता तिवारी भी अपना सरनेम तिवारी ही यूज़ करती थी, तो ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। इन सब खबरों से जैसे ही निजात मिली थी, श्वेता तिवारी और मनोज तिवारी के नज़दीकियों की खबरों ने मनोज तिवारी की पत्नी रानी का जीना हराम कर दिया। रानी आए दिन मनोज तिवारी पर शक करने लगती और उनकी शादी की रही सही कसर नगमा ने पूरी कर दी। जी हाँ, नगमा के साथ भी मनोज तिवारी की कई फिल्में आई हैं और वो फिल्मों में मनोज तिवारी की जोड़ी नगमा के साथ बहुत पसंद की गई। दर्शकों के बहुत पसंद किए जाने पर इन दोनों ने एक साथ मिलकर 2 से 3 फिल्में भी कर ली। इन्हीं फिल्मों के दौरान इन दोनों की अफेयर्स की चर्चा जोरों शोरों पर होने लगी। लोग कहने लगे कि मनोज तिवारी नगमा को पसंद करते हैं और नगमा भी मनोज तिवारी को पसंद करती है। ये सारी खबरें रानी तिवारी के कानों में भी जाती, जो कि मनोज तिवारी की पत्नी है, और उन्हें ये सब कुछ बहुत ही बुरा लगता। मनोज तिवारी हर रोज घर आते और उन्हें अपने हर एक अफेयर्स के लिए क्लियरिफिकेशन देते कि उनका अफेयर इस फलाना हीरोइन से नहीं चल रहा है। अगर हमारे सूत्रों की माने तो कई बार मनोज तिवारी रानी तिवारी से ये कहते नजर आए कि ये फिल्मी दुनिया है, यहाँ एक एक्टर दूसरी अभिनेत्री से बात कर ले तो उसके अफेयर्स की खबरें उड़ जाती हैं। लेकिन ये शक की खाई धीरे धीरे बढ़ती गई। भले ही रानी और मनोज की बेटी ने इस दुनिया में कदम रख दिया हो, इन दोनों के रिश्तों में तब सुधार आया जब मनोज तिवारी और रानी को एक बेटी हुई। बेटी ने जन्म क्या लिया, मनोज तिवारी के घर में खुशियों ने दस्तक दी। पति पत्नी के मतभेद अलग हो गए, लेकिन मिटे बिल्कुल नहीं थे। मनोज तिवारी को भी लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। भले ही रानी बेटी की परवरिश में बिजी हो गई, लेकिन उनका पूरा का पूरा ध्यान मनोज तिवारी पर ही रहता। उन्हें लगता मनोज तिवारी उन्हें चीट कर रहे हैं, और उधर मनोज तिवारी अपनी सफाई देते देते पूरी तरह से तंग आ चुके थे। वो भी नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे, लेकिन रानी पूरा मूड बना चुकी थी कि वो अब मनोज के साथ नहीं रहेंगी। एट लास्ट 2015 में अपने अथक प्रयासों के बावजूद भी मनोज तिवारी अपना घरौंदा नहीं बचा सके। रानी अपने मायके चली गई और फिर वो दिल्ली में ही अपनी बेटी की स्टडी के लिए बस गई, लेकिन फिर उन्होंने मनोज तिवारी की तरफ पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन बाद में रानी तिवारी को लेकर भी मीडिया में कई ऐसी अफवाहें आई जो कि बाद में वो बेबुनियाद साबित हुई। कहा गया कि रानी का अफेयर किसी और के साथ था, इसलिए उन्होंने मनोज तिवारी का साथ छोड़ दिया, लेकिन ऐसी सब अफवाहें बाद में
चलकर एक अफवाह ही साबित हुई। भूतपूर्व जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।